नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जौनपुर में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान हुआ है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूट चुका है, ऐसा ओम प्रकाश राजभर ने कहा है। तो टिकट बंटवारे में पक्षपात करते थे अखिलेश, ऐसा उनका कहना है, और अब बीएसपी के साथ मिलकर राजनीति करेंगे। न्यूज स्टेट से बातचीत करते हुए ऐसा ओम प्रकाश राजभर ने कहा है, और जल्द ही मायावती से बातचीत हो जाएगी, ऐसा राजभर का कहना है, और अखिलेश से ज्यादा मायावती क्षेत्र में रहती है, ऐसा ओपी राजभर का कहना है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां जौनपुर में ओम प्रकाश राजभर ने ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि एसपी के साथ गठबंधन टूट चुका है और टिकट बंटवारे में पक्षपात करते थे अखिलेश यादव। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले उनका बयान सुनिए। तलाक मिल चुका है सर, अब आगे का क्या? हमने कबूल कर लिया है, अब आगे हमारी कोशिश होगी कि इधर मीटिंग से दो तीन दिन में खाली होकर बहुजन समाज पार्टी से हम बात करेंगे कि आगे हम सब लोग मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए। क्या बहन जी से कोई बात है? अभी कोई बात नहीं है, बात करेंगे हम आगे। कल जब लेटर आया तो सुभाष से उसके बाद काफी बात नहीं, उसके पहले हमारी उनकी मुलाकात हुई थी, बातचीत होती है, हमारी सभी नेताओं से बात होती है, कोई नेता ऐसा नहीं है देश का कि जिससे ओम प्रकाश राजभर की बात ना होती हो। गठबंधन टूटने का कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण? सलाह देना, सही सलाह देना, यही गठबंधन टूटने का कारण है कि जब विधानसभा के चुनाव में भी आप अगर जफराबाद की बात हम करें तो मैं बार बार कह रहा था कि माननीय जगदीश राय को टिकट दे दिया जाए, वो जीत जाएंगे, लड़ाई अच्छी होगी, तो कौन सलाह दे दिया कि नहीं वो नहीं जीत सकते। खैर, हम चूंकि गठबंधन में थे उसमें लड़ झगड़ के ले लिए। आप जहां खड़े हैं जौनपुर सदर में, हम बार बार कहते रहे कि मौर्या को टिकट दे दीजिए, मौर्या जीत जाएगा, तो मौर्या को भी टिकट नहीं दिया, चुनाव हम हार गए। यही हाल मैं बांसडी कहता रहा, मैं आपके मऊ की धरती पर मधुबन कहता रहा, करीब 50 से 60 सीटों पर जो मैं कहता रहा नहीं माने, चुनाव हार गए। क्या सपा में दलितों का इच्छा होती है? देखिए, बाहर तो बड़ी शोर है, लेकिन अंदर पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक सिर्फ वोट के लिए नेता बनाए जाते हैं, अधिकार के लिए नहीं। हिस्सेदारी मांगेंगे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हम तो गठबंधन में थे इस नाते, चूंकि हमको तो निकाल नहीं सकते, इस नाते उन्होंने चिट्ठी लिख के थमा दिया कि अब हमारी जरूरत, हमको आपकी जरूरत नहीं है।